दोस्तों, आप सभी लोग बॉलीवुड इंडस्ट्री के मशहूर अभिनेता राहुल रॉय को तो भली भांति जानते होंगे, जो कि आज एक सुपर डुपर हिट अभिनेता नहीं बल्कि फ्लॉप अभिनेता है। लेकिन इसके बावजूद ये अपने सुपरहिट फिल्म आशिकी की वजह से थोड़े बहुत फेमस हैं और इसी के बदौलत पहचान के मोहताज ये नहीं है। लेकिन आपको बता दें कि इससे भी ज़्यादा फेमस होकर सुपरहिट हो सकते थे, लेकिन नहीं हो पाए, जिसकी वजह सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड इंडस्ट्री की कुछ अभिनेत्रियाँ रही हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है, बॉलीवुड इंडस्ट्री की कुछ अभिनेत्रियों की वजह से ही राहुल रॉय हमेशा फ्लॉप साबित होते रहे हैं। तो आखिरकार कौन सी हैं वो अभिनेत्रियाँ और उन्होंने इनके साथ ऐसा क्या किया है जिसके चलते राहुल रॉय आज एक फ्लॉप अभिनेता बन गए हैं? तो देर किस बात की है, चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और जान लेते हैं कि कौन है वो अभिनेत्रियाँ जिनकी वजह से राहुल रॉय हमेशा फ्लॉप रहे। नंबर एक, पूजा भट्ट। इस लिस्ट की पहली कड़ी में अभिनेत्री पूजा भट्ट का नाम शुमार है, जिन्होंने राहुल रॉय के साथ काफ़ी सारी फिल्मों में काम किया है, जिसमें फिर तेरी कहानी, याद आई की और पहला नशा जैसी कई सुपरहिट फिल्में शामिल हैं। लेकिन अफसोस, इस अभिनेत्री की वजह से राहुल रॉय हमेशा फ्लॉप रहे हैं, क्योंकि इनके साथ की गई मूवीज एक भी सुपरहिट साबित नहीं हुई हैं बल्कि फ्लॉप रही थी, जिसके साथ राहुल का करियर भी फ्लॉप रहा और बन गए ये फ्लॉप फिल्म देने वाले एक एक्टर। नंबर दो, करिश्मा कपूर। चलिए बात करते हैं 90s के दशक की खूबसूरत और टैलेंटेड अदाकारा करिश्मा कपूर के बारे में, जिन्होंने उस दशक में अपनी खूबसूरती और दिलकश अदाओं के जरिए सभी के दिलों को जीत लिया था और इनकी वजह से भी राहुल रॉय हमेशा फ्लॉप रहे हैं। जी हाँ, क्योंकि इन्होंने इनके साथ सपने साजन के और मेघा जैसी फिल्मों में अभिनय किया है, जिसमें करिश्मा कपूर की एक्टिंग कुछ खास नहीं थी और सिर्फ करिश्मा कपूर की एक्टिंग ना होने की वजह से ही ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खासा कमाल नहीं दिखा पाई और इस तरह से राहुल रॉय हो गए फ्लॉप। नंबर तीन, अमृता सिंह। अब बात करें अभिनेत्री अमृता सिंह के बारे में, जो कि 90 के दशक की एक मशहूर और टैलेंटेड अदाकाराओं में से एक हैं। इनकी वजह से भी राहुल रॉय हमेशा रहे हैं फ्लॉप। जी हाँ, जब भी राहुल रॉय इनके साथ किसी फिल्म में काम करने का मौका मिलता था तो उन्होंने हर बार उनके साथ काम करने से इनकार किया, जिसकी वजह से उन्हें इनके साथ एक भी मूवी में काम करने का मौका नहीं मिला और उनकी एक अलग ही पहचान नहीं बन पाई। इस तरह से राहुल रॉय हमेशा रहे हैं फ्लॉप। नंबर चार, डिंपल कपाड़िया। इस लिस्ट के आखिरी कड़ी में अभिनेत्री डिंपल कपाड़िया का नाम भी शुमार है, जो कि बॉबी और सागर जैसी कई सुपरहिट फिल्में दे चुकी हैं और इनकी वजह से भी राहुल रॉय हमेशा फ्लॉप रही हैं, जिसकी वजह कुछ और नहीं बल्कि ये रही कि जब राहुल रॉय ने इन्हें किसी बड़ी फिल्म में डायरेक्टर से काम देने की गुजारिश की थी, क्योंकि इनकी बहुत पहुँच थी, लेकिन इन्होंने साफ मना कर दिया, जिसकी वजह से राहुल रॉय फ्लॉप अभिनेता बनकर रह गए। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इन सभी कारणों की वजह से राहुल रॉय हमेशा फ्लॉप रहे हैं? अगर हाँ, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दे सकते हैं। साथ ही साथ ऐसी और दिलचस्प वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।